मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष मैम। आज हम करेंगे इंटीग्रेशन। लास्ट वीडियो में हमने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले किए थे और सिंपल से क्वेश्चन किए थे। इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के कुछ मेथड हैं। आज हम उन्हीं मेथड में से एक मेथड आज के लेक्चर में करेंगे। मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का सबसे पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन विधि। इसमें क्या करना होता है कि हमें किसी वैल्यू को मान लेना होता है और उसके बाद हमें इंटीग्रेशन करना होगा। किस तरह से, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता किस तरह से है, ये देखो। मान लो हमारे पास हमें इंटीग्रेशन करना है एफ डैश एक्स एफ एक्स डी एक्स का, ये इंटीग्रेशन करना है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा, जिस भी वैल्यू का हमें इंटीग्रेशन करना है उसमें से हमारे पास यहाँ पर दो वैल्यू है, उसमें से किसी एक वैल्यू को अगर हम मान ले टी, तो दूसरी वैल्यू उस वैल्यू का डिफरेंशिएशन दूसरी वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास यहाँ पर दो वैल्यू है, एक तो एफ एक्स है, दूसरा एफ डैश एक्स है। हमने मान लिया कि एफ एक्स को टी मानना है या एफ डैश एक्स को टी मानना है, ये हमें सोचना पड़ेगा। अगर हम एफ एक्स को टी मानते हैं तो हमें चेक करना है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। अब एफ का डिफरेंशिएशन को हमने किया था डी बाय डी एक्स से लिखा जाता है, और इसी को आपको ये भी बताया था कि अगर हमें एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो डी बाय डी एक्स एफ एक्स, इसी को हम डैश की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डैश का मीन्स होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, डबल डैश आ जाए मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव, ट्रिपल डैश आ जाए इस तरह से ट्रिपल डैश बना हुआ जाए थर्ड डेरिवेटिव। अब अगर हम एफ एक्स का अवकलन करें, डिफरेंशिएशन करें, तो इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स एफ एक्स या हम एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। अगर हम एफ डैश को टी मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन करें, इसका मीन्स क्या है कि हमारे पास डी बाई डी एक्स एफ एक्स है, एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव है। अगर हम इसका फिर से डिफरेंशिएशन करें तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स। अगर हम एफ एक्स को टी मानते हैं तो हमारे पास एफ डैश आ रहा है, अगर हम एफ डैश को टी मानते हैं तो हमारे पास एफ डबल डैश आ रहा है। अब क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि एफ एक्स को टी मानना है तो हमारे पास एफ डैश आना चाहिए, जबकि डैश को पुट करने पर डबल डैश आ रहा है। अब ये तो क्वेश्चन में है लेकिन ये क्वेश्चन में नहीं है, तो हम इसे नहीं मानेंगे, हम क्या मानेंगे, एफ एक्स को टी मान लेंगे। यानी उस वैल्यू को हमें टी मानना है जिसका डेरिवेटिव, जिसका अवकलन करने पर हमारे पास क्वेश्चन में से ही वैल्यू आ जाए। ओके, अगर ऐसा है तो इसका डेरिवेटिव क्या, एफ एक्स का एफ डैश एक्स, साथ में हम लिखेंगे डी एक्स, यानी किसी थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं हम। टी का डिफरेंशिएशन डी टी, तो हमारे पास एफ डैश एक्स डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को हम इंटीग्रेशन में पुट करेंगे। अब देखो एफ एक्स को हमने क्या माना था, टी माना था, तो इसकी जगह तो टी आ गया। अब इसके अलावा, इसकी जगह टी आ गया तो इसके अलावा हमारे पास क्या बचा, एफ डैश एक्स डी एक्स। यहाँ देखो f डैश एक्स डी एक्स ये किसके इक्वल है, डी टी के इक्वल है, तो इस पूरे की जगह हमने डी टी लिख लिया। t का इंटीग्रेशन करना है, हमने इंटीग्रेशन में फॉर्मूला पढ़ा था x डी एक्स, x की पावर n डी एक्स का क्या फॉर्मूला था, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी, ये फॉर्मूला था। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, x की जगह t है तो डी एक्स की जगह डी टी है, और पावर में क्या है हमारे पास वन है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी की पावर वन प्लस वन, वन प्लस वन प्लस सी। अब यहाँ पर क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, टी की पावर टू डिवाइड में टू प्लस सी। हमने यहाँ पर क्या किया था, एफ एक्स को टी माना था, तो टी की जगह हमारे पास क्या है, एफ एक्स है, टी का स्क्वेयर है तो एफ एक्स का स्क्वेयर या एफ स्क्वेयर एक्स लिख सकते हैं इसे, अपॉन टू प्लस सी। ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड से आंसर होगा। ओके, आगे समझ। अब ये तो मेथड था, यानी हमें मेथड को किस तरह से अप्लाई करना है कि हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू होगी एक से ज्यादा, किसी एक वैल्यू को पुट करने पे अगर किसी एक वैल्यू को हम टी माने तो उसका डेरिवेटिव अगर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में से, यानी क्वेश्चन में से ही कोई वैल्यू आ रही है तो हम उसे टी मानकर यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, हमें इंटीग्रेशन करना है tan x sec x dx का। अब यहाँ पर
टेन एक्स है, सेक्स स्केयर एक्स है, दो वैल्यू है ना। अब चेक करो टेन एक्स का अवकलन सेक्स स्केयर होता है या सेक्स स्केयर का अवकलन टेन एक्स होता है। अवकलन समझते हो, डिफ्रेंशिएशन, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक्स स्केयर होगा या सेक्स स्केयर का डिफ्रेंशिएशन टेन एक्स होगा। टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है ना सेक्स स्केयर, हमारे पास डी बाई डी एक्स टेन एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है, सेक्स स्केयर एक्स के इक्वल होती है। और सेक्स स्केयर हमारे पास क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे टेन एक्स को टी मान लेंगे, माना टेन एक्स इज इक्वल टू टी। सेक्स स्केयर का डेरिवेटिव टेन नहीं होता, इसलिए हम टेन को टी मान लेंगे। अगर टेन एक्स को टी माना तो हमें इसका क्या करना है, अवकलन करना है। टेन का अवकलन क्या होता है, सेक्स स्केयर एक्स, साथ में ये डी एक्स लगाना है इज इक्वल टू डी टी। ओके, अब ये वाली वैल्यू हमें इंटीग्रेशन में पुट कर देनी है। तो इंटीग्रेशन में देखो हमने टी किसे माना, सबसे पहले टेन एक्स को, तो टेन एक्स की जगह तो टी आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या लिखा है, सेक्स स्केयर एक्स डी एक्स, तो सेक्स स्केयर एक्स डी एक्स किसके इक्वल है, डी टी के इक्वल है, तो इसकी जगह हमारे पास क्या देगा, डी टी आ जाएगा। क्या सॉल्यूशन होना, टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। टी की पावर वन है, इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास क्या आएगा, टी की पावर वन प्लस वन, वन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट, मीन्स टी की पावर टू डिवाइड बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट। हमने टी किसे माना था, टेन एक्स को माना था, तो टेन एक्स की पावर टू यानी टेन एक्स का हमें स्केयर करना है, टेन एक्स की पावर टू करनी है। ये क्या है, एंगल होता है, तो जब हम इसका होल स्केयर करते हैं तो एंगल का स्केयर नहीं होता, टेन स्केयर एक्स लिखा जाता है। तो टेन स्केयर एक्स अपॉन में टू प्लस सी, ये गिवन क्वेश्चन का आंसर होगा, इंटीग्रेशन होगा। ओके, नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एक्स साइन एक्स स्केयर डी एक्स। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसे हम टी माने, तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में से ही वो वैल्यू आ गई। अब 2x को अगर हम टी मानते हैं तो 2x का अवकलन करने पर हमारे पास क्या आएगा, इसका अगर हम अवकलन करें तो हमारे पास क्या आएगा, 2x का अवकलन 2 होता है। तो 2x को अगर टी माना तो इसके अलावा हमारे पास और 2 नहीं है ना, तो इसे हम टी नहीं मानेंगे। अगर हम साइन को टी मानते हैं तो साइन का अवकलन करने पर हमारे पास क्या आएगा, कोस आएगा, जबकि कोस भी क्वेश्चन में नहीं है, नहीं है ना। अब साइन के साथ क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर। अगर हम एक्स स्क्वायर का अवकलन करें तो हमारे पास क्या आता है, 2x, और 2x क्वेश्चन में है ना हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को t मान लेंगे। आगे समझ में, हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लिया एक्स स्क्वायर बराबर t, जिस वैल्यू को पुट किया माना उसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, जिस वैल्यू को माना है हमें उसका अवकलन करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x साथ में dx इक्वल टू dt। हम ये dx किस लिए लगाते हैं, हम किसी थर्ड वेरिएबल के लिए डेरिवेटिव करते हैं। अगर हम किसी थर्ड वेरिएबल के लिए डेरिवेटिव करें, जैसे हमने मान लिया x का हमने u के लिए डेरिवेटिव करना है, तो dx अपॉन du, t का डेरिवेटिव dt अपॉन du, तो ये du से du कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम थर्ड वेरिएबल के लिए जब डेरिवेटिव करते हैं तो अपॉन में ये टर्म नहीं लिखते, सीधा 2x dx इक्वल टू dt लिखते हैं। 2x dx इक्वल टू dt, अब इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, सबसे पहले हमने t किसे माना है, x square को, तो ये देखो साइन x square की जगह t, क्या बचा, क्या ये हमने पूरा लिख लिया साइन t, क्या बचा हमारे पास 2x dx की जगह क्या आ गया हमारे पास dt। ओके, अब साइन t का इंटीग्रेशन करना है, साइन t का इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है, क्या होता है साइन टी का इंटीग्रेशन, माइनस कोस टी प्लस कॉन्स्टेंट, टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस कोस टी किसके इक्वल था, एक्स स्क्वायर के इक्वल था प्लस। ओके, आगे समझ, नेक्स्ट और क्वेश्चन करते हैं, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, अब किस वैल्यू को मानोगे आप, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है तो हम 2x को t नहीं मानेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करें तो हमारे पास 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x, और 2x हमारे पास क्वेश्चन में है ना, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लेंगे। तो माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब ये नहीं है
ऐसा मत सोचना कि ये मल्टीपल, हमने जो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया तो वो मल्टीपल में ही होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे पास कोई भी कंडीशन हो सकती है, ये भी हो सकता है एफ डैश अपॉन एफ एक्स डी एक्स, इस टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास। अगर हम एफ एक्स को टी मानते हैं तो हमारे पास एफ डैश एक्स डी एक्स आ रहा है ना। अगर हम एफ एक्स नीचे की वैल्यू को टी माने तो मल्टीपल की पूरी वैल्यू हमारे पास डी टी बन गई। तो हमें सिर्फ ये देखना है सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि हम ऐसी वैल्यू को टी माने जिसका डेरिवेटिव करने पर क्वेश्चन में से ही वैल्यू आ जाए। तो वन प्लस एक्स स्क्वायर को हमने टी मान लिया, इसका डेरिवेटिव किया, वन का डेरिवेटिव जीरो, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ पर अगर आप वर्डिंग लिखना चाहो तो वर्डिंग लिख सकते हो कि डिफ्रेंशिएशन करने पर, डिफ्रेंशिएट डिफरेंशिएशन किया इसका तो वन का जीरो, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये वैल्यू हम इंटीग्रेशन में पुट कर देंगे। इंटीग्रेशन को आई से लिखा जाता है, इंटीग्रेशन आई से डिनोट किया जाता है। तो अगर आप लिखना चाहो इक्वल में कोई ना कोई वैल्यू लिखनी है तो हम आई इक्वल लिख सकते हैं टू एक्स डी एक्स। अब यहाँ देखो जीरो प्लस टू एक्स, तो हमारे पास क्या आया टू एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी के इक्वल हो जाएगी ना। जीरो प्लस टू एक्स, टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो टू एक्स डी एक्स की जगह तो हमारे पास आ गया डी टी अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या आ गया टी, डी टी अपॉन टी। इंटीग्रेशन करना है, क्या होगा इंटीग्रेशन, फॉर्मूला याद है आपको, फॉर्मूले याद रखने की भी जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया था। आप इसे उल्टा चेक करो कि ये किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, वन अपॉन एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, लॉग एक्स का होता है ना, तो वन अपॉन टी किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, लॉग टी का हो जाएगा। तो वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या हुआ हमारे पास, लॉग टी प्लस कॉन्स्टेंट आई इज इक्वल टू लॉग टी की जगह हमारे पास क्या था वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो टी की जगह वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। नेक्स्ट और क्वेश्चन करते हैं, इंटीग्रेशन करना है लॉग एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। अब किस वैल्यू को माने हम, अगर हम x को मानते हैं तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास 1 होता है। अगर हम log x को t माने तो log x का अवकलन क्या होता है हमारे पास 1 अपॉन x होता है। हमारे पास log x को अगर t माने तो 1 अपॉन x आ रहा है, यहाँ पर 1 अपॉन x है ना, तो हम क्या करेंगे log x को t मान लेंगे। मान लिया log x बराबर t, log x को t माना तो हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो हमारे पास क्या देगा डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएशन किया तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन x, साथ में हमें dx लिखना है इज इक्वल टू t का डिफ्रेंशिएशन dt। तो इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा, अब देखो log x dx, log x को हमने t मान लिया तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ रहा है 1 अपॉन x dx। ये हमारे पास क्वेश्चन क्या है log x अपॉन x, अपॉन को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, तो log x को अगर हमने t माना तो ये पूरा का पूरा हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है dt के इक्वल, तो t और साथ में dt। इंटीग्रेशन किया t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट c, तो इंटीग्रेशन किसके इक्वल आ जाएगा t स्क्वायर, t किसे माना हमने log x को, तो log x का स्क्वायर इस तरह से लिखोगे, ये अगर आपने log x स्क्वायर इस तरह से लिख दिया तो ये गलत होगा, अपॉन में 2 प्लस में कांस्टेंट। ओके नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, sin x sin cos x dx, ये हमारा क्वेश्चन है, हमें इंटीग्रेशन करना है sin x sin cos x dx का। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर हम sin x को t मानते हैं, अगर हम sin x को t मान लेते हैं तो cos x dx बराबर dt होता है, ये होगा ना, sin x का हमने डिफरेंशिएशन किया तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, साथ में dx लगा दिया t का डिफरेंशिएशन dt। अब यहाँ पर गलती क्या होती है, आप लोग इसे t मान लेते हो तो ये t हो जाएगा और sin का sin cos x dx की जगह आप dt पुट कर देते हो। अब यहाँ पर cos x dx, ये cos x dx नहीं पढ़ोगे, इसे रीड किया जाता है sin cos x, ये इस तरह से लिखा हुआ है sin cos x और dx,
इसका मीन्स है साइन के साथ एक्स नहीं लिखा हुआ ना, तो इसका मीन्स क्या है कि ये जो साइन है कोसेक्स है ये साइन के साथ एक साथ है, ये कोसेक्स अलग से नहीं है, कोसेक्स यहाँ पर साइन का एंगल है। तो अगर हम साइन एक्स को टी मानते हैं तो हमारे पास कोसेक्स डी एक्स डी टी आ रहा है, जबकि क्वेश्चन में हमारे पास कोसेक्स डी एक्स नहीं साइन कोसेक्स डी एक्स है, तो साइन एक्स को टी नहीं मानोगे। ओके, यहाँ पर ये गलती मत करना कि अगर आप साइन एक्स को टी मानते हो तो यहाँ पर लिख देते हो कोसेक्स डी एक्स इजिकल टू डी टी। जो गलती मैंने आपको बताई है ये गलती मैंने अपने 17 साल के एक्सपीरियंस में नोट की है कि आप लोग ये गलती करते हो। अब यहाँ पर हमें साइन एक्स को तो टी मानना नहीं है, हमें क्या करना है, फिर हम चेक करेंगे कोसेक्स। अगर हम कोसेक्स को टी मान लें तो कोसेक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्वेश्चन में कोसेक्स को अगर टी माना तो साइन एक्स डी एक्स तो है हमारे पास लेकिन माइनस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, माइनस माइनस आपको पता है ना प्लस होता है, तो हमने माइनस लगा लिया, हो गया ना माइनस साइन एक्स डी एक्स इजिकल टू डी टी। तो हम क्या करते हैं कोसेक्स को टी मान लेते हैं, तो माना कोसेक्स बराबर टी, एंगल को आप पुट कर सकते हो लेकिन अगर कोई वैल्यू मान रहे तो उसके बाद हमारे पास सिर्फ एंगल की वैल्यू नहीं आनी चाहिए, कंप्लीट आनी चाहिए। यहाँ पर कोसेक्स को टी माना तो कोसेक्स का डिफ्रेंशिएशन किया साइन एक्स डी एक्स इजिकल टू डी टी, डिफरेंशिएट कर दिया। ये वैल्यू हम इंटीग्रेशन में पुट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन को आई से लिखा जाता है, तो आई इज इक्वल टू, ये माइनस हमारे पास पहले से है, माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो हमने पहले टी किसे माना है वो देख लेते हैं, कोसेक्स को टी माना है तो साइन के साथ कोसेक्स है, साइन कोसेक्स की जगह टी आ गया। कोसेक्स को टी माना तो हमारे पास क्या रहा है साइन एक्स डी एक्स माइनस में, माइनस साइन एक्स डी एक्स किसके इक्वल आ रहा है, डी टी के इक्वल आ रहा है, डीटी लगा लिया। आई इज इक्वल टू ये माइनस, हमें क्या करना है साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस एक्स होता है। ये भी आपको बताया था कि अगर हमारे पास दो सिंबल एक साथ आ रहा है तो हम ब्रैकेट लगाएंगे प्लस कॉन्स्टेंट सी। आई इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस कोस टी प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो आई इज इक्वल टू कोस टी किसके इक्वल था कोसेक्स के, तो टी की जगह हम क्या लिखेंगे कोसेक्स प्लस। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन करना है एक्स अपॉन ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर डीएक्स। ये इंटीग्रेशन किस तरह से करेंगे, एक्स अपॉन ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब यहां देखो एक्स स्क्वायर, जब हम एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स में वैल्यू आ जाएगी, लेकिन अगर हम एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा, यानी एक्स स्क्वेयर को अगर हम टी माने तो एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन क्या होगा टू एक्स होगा, जबकि हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में ओनली एक्स है। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में माइनस आ रहा था तो हमने माइनस लगा लिया था, हमारे सॉल्यूशन में टू एक्स चाहिए तो हम क्या करते हैं टू और टू लिख सकते हैं, टू से मल्टीप्लाई कर लिया टू से डिवाइड कर लिया, तो टू और टू कैंसिल हो जाएगा ना, तो वापस से क्वेश्चन वही रह जाएगा हमारे पास। तो जब हमें पता है कि हमें एक्स स्क्वायर को टी मानना है तो एक्स स्क्वायर का अवकलन करने पे टू एक्स आ रहा है, जबकि क्वेश्चन में एक्स था तो हमने क्या किया टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को टी मान लें, तो मान लिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएशन किया इसका तो हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर का टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो इंटीग्रेशन में ये वैल्यू पुट की आई इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स डी एक्स, इसकी जगह तो हमारे पास आ गया डी टी अपॉन में ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह हमारे पास आ गया टी। अब डी टी अपॉन ई रेज टू पावर टी इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बता सकते हो आप, डी टी अपॉन ई रेस्ट पावर टी, हमने ई रेस्ट पावर एक्स डी एक्स का फॉर्मा पढ़ा था और ई रेस्ट पावर एक्स मल्टीपल में होता है डिवाइड में नहीं होता, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है ई रेस्ट पावर एक्स ही होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है ई रेस्ट पावर टी है तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे ये भी कर लेते हैं। हमने ये पढ़ा था ना कि अगर अपॉन में वैल्यू है उसे हम मल्टीपल में लेकर आए तो जो पावर होती है वो माइनस में चेंज हो जाती है, किया था ना, तो e रेस्ट पावर t अपॉन में है इसे हम मल्टीपल में ले आए तो हमारे पास यही फॉर्मूला बन रहा ना। अब यहाँ देखो i इज इक्वल टू 1/2 e रेस्ट पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है e रेस्ट पावर x होता है, e रेस्ट पावर माइनस टी है तो e रेस्ट पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन माइनस टी, लेकिन
ये फॉर्मूला प्लस एक्स के लिए होता है। अगर ई रेस टू पावर माइनस एक्स आ जाए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई रेस टू पावर माइनस एक्स, ये प्लस के लिए प्लस होता है तो माइनस आ जाए तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स। तो ई रेस टू पावर माइनस टी है तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, माइनस। लेकिन अगर हम माइनस इस तरह से लगाते हैं, इन दोनों के बीच में सिंबल कौन सा है, मल्टीपल का, लेकिन अगर हम इस तरह से माइनस लगाए तो हाफ के साथ माइनस हो रहा है ना, जबकि हमें गुना करना है, तो या तो मल्टीपल का साइन लगा लो या ब्रैकेट प्लस कॉन्स्टेंट टी की वैल्यू पुट कर देते हैं। टी की वैल्यू पुट की हमने तो आई इज इक्वल टू क्या रहा है, माइनस वन अपॉन टू, मल्टीपल किया तो ये माइनस पहले आ जाएगा ना, ई रेस टू पावर माइनस टी, टी की जगह एक्स के प्लस कॉन्स्टेंट। ओके नेक्स्ट और क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन करने है वन अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स डी, तो किस तरह से करोगे, यहाँ देखो वन अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स, इन दोनों में एक्स कॉमन आ रहा है, आ रहा ना कॉमन, अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं तो हमारे पास एक ही वैल्यू है एक्स एक्स प्लस लॉग एक्स, एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स, अगर हम इसे टी मानते हैं तो क्वेश्चन की वैल्यू नहीं आ रही, हमारे पास अपॉन में से एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स को कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारे पास, वन प्लस लॉग एक्स डी एक्स। ओके इसको देखो वन अपॉन एक्स और वन प्लस लॉग एक्स, अगर हम इसे टी मान ले, वन प्लस लॉग एक्स को टी मान ले तो हमें पता है वन का डेरिवेटिव तो जीरो होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स होता है। अब देखो अगर हम इसे टी मानते हैं तो हमारे पास वन अपॉन एक्स रह जाता ना, और वन अपॉन एक्स इसका डेरिवेटिव होता है, तो हम वन प्लस लॉग एक्स को टी मान लेंगे, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन करके इंटीग्रेशन में वैल्यू पुट करेंगे। मान लिया वन प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो वन का डेरिवेटिव जीरो, लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स, और ब्रैकेट बंद करके डी एक्स, क्योंकि दो वैल्यू एक साथ थी ना हमारे पास, इज इक्वल टू डी टी, जीरो में किसी भी वैल्यू को ऐड करें तो वो वैल्यू आएगी, तो वन अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, इस वैल्यू को हम इंटीग्रेशन में पुट कर देते हैं, तो आई इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स, आई हम इसे लिखते हैं जो इंटीग्रेशन हमें करना है, ये देखो वन अपॉन एक्स डी एक्स, इसकी जगह तो हमारे पास आ जाएगा डी टी, और डिवाइड में नहीं आएगा मल्टीपल में आएगा, क्योंकि वन अपॉन एक्स डी एक्स की जगह डी टी लिखना है, क्या बचा अपॉन में, बचा अपॉन में क्या है वन प्लस लॉग एक्स, वन प्लस लॉग एक्स की जगह हमारे पास क्या आ गया टी आ गया, अब डी टी अपॉन टी यानी वन अपॉन टी, इसे हम ये लिख सकते ना आई इज इक्वल टू वन अपॉन टी डी टी, डी टी अपॉन टी ही होगा ना, तो वन अपॉन टी इसका डिफ्रेंशिएशन होता है लॉग टी का, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग टी प्लस टी, तो आई इज इक्वल टू लॉग टी की जगह हमारे पास क्या देगा वन प्लस लॉग एक्स प्लस, आगे समझ में आपको। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन करना है 4x प्लस 2 रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। अब देखने में बड़ा सारा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन सिंपल सा है, देखो 4x प्लस 2 और रूट के अंदर, अगर हम 4x प्लस 2 का डेरिवेटिव करें तो 4x का डेरिवेटिव 4, 2 का डेरिवेटिव 0, तो ओनली 4 आएगा, इसे तो नहीं मानेंगे क्योंकि रूट के अंदर की वैल्यू है। अगर हम इसका डेरिवेटिव करें x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x का डेरिवेटिव 1, 1 का 0, तो क्या आया हमारे पास 2x प्लस 1। अब यहाँ देखो 4x प्लस 2 है, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है ना हमारे पास, 2 कॉमन लिया तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 2 2 जा 4x और 2 बन जा 2, और अगर हम x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को t मानते हैं तो हमारे पास 2x प्लस 1 आ रहा है, और यहाँ पर 2 कॉमन लेने पर भी हमारे पास 2x प्लस 1 आ रहा है, सेम वैल्यू आ रही है ना, तो हम क्या करेंगे रूट के अंदर की वैल्यू यानी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को t मान लेंगे। हमने क्या किया, मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टी। ओके सिर्फ आपको वैल्यू को मानना आना चाहिए कि हम किस वैल्यू को टी माने, इसका डिफ्रेंशिएशन किया हमने तो क्या आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर का 2x और x का 1 और 1 का 0, साथ में dx लिख दिया बराबर dt, 2x प्लस 1 प्लस 0 1 रह जाएगा, dx बराबर 18। ओके यहाँ पर क्या हमारे पास 4x प्लस 2 है, तो हम या तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं या यहाँ पर 2 से मल्टीपल कर लेते हैं,
अब देखो आई इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या था हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ, हम टू कॉमन ले लेते हैं तो क्या रह जाएगा, टू एक्स प्लस वन। अभी टी ने जब हमने कॉमन लिया तो टू कॉमन रूट के अंदर सेम वैल्यू एक्स के प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स। देखो ये टू कॉन्स्टेंट है, इसको तो हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख देते हैं। क्या बचा हमारे पास, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यानी रूट के अंदर टू। इसके अलावा क्या रह जाएगा, टू एक्स प्लस वन डी एक्स रह जाएगा। टू एक्स प्लस वन डी एक्स किसके इक्वल है, डी टी के इक्वल है। ओके हमारे पास क्या आया, टू रूट टी। अब रूट टी का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, रूट का मीन्स क्या बताया था, हाफ, तो टी की पावर हाफ टी। अब पावर हाफ आ गया तो हमारे पास हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ का फॉर्मूला मीन्स पावर एन का फॉर्मूला आ जाएगा। तो आई इज इक्वल टू t की पावर 1 बाय टू है, तो हम क्या करेंगे, 1 बाय टू प्लस 1, 1 बाय टू प्लस 1 प्लस c। i इज इक्वल टू 2, t की पावर हाफ में 1 ऐड किया तो 3 बाय टू होता ना, एक और आधा 3 बटे दो, तो हाफ प्लस 1 3 बाय टू डिवाइड में 3 बाय टू प्लस c। अब 3 बाय टू और 3 बाय टू, अब यहाँ पर वैल्यू क्या है हमारे पास, i इज इक्वल टू 2 t की पावर 3 बाय टू डिवाइड में 3 बाय टू, आपको पता ना अपॉन के अपॉन में वैल्यू आ जाए तो वो वैल्यू मल्टीपल में चली जाती है प्लस c। ये क्या हो गया हमारे पास, 2 टू जा 4 डिवाइड बाय 3 t की पावर, t हमने किससे माना था, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को, तो t की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 t की पावर 3 बाय टू, पावर 3 बाय टू प्लस। कुछ क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही रिलेटेड, जिसे आपको खुद ट्राई करना है और उनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। इन क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करोगे, अगर आपसे सॉल्व ना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आपसे सॉल्व हो जाए तो आप आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखोगे। आज हमने इंटीग्रेशन से रिलेटेड फर्स्ट मेथड किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। अगर आपको इस मेथड में कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर सकते हो और मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड।